और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत चार पड़ोसी राज्यों और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना डीपीआर के माध्यम से केंद्र को भेजी गई है, जिनमें से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बहुत थोड़ा सा काम बाकी है और उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही भारतमाला प्रोजेक्ट की झारखंड सेक्शन को मंजूरी देगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिछेगा सड़कों का जाल। चार पड़ोसी राज्यों और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना, ओडिशा और बिहार के लिए बन जाएंगे कई वैकल्पिक मार्ग। पथ निर्माण विभाग ने भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड को आसपास के राज्यों से जोड़ने वाली सड़क परियोजनाओं का डीपीआर बनाकर भेजा है। ओडिशा को जोड़ने वाली दो परियोजना, एक तो चाईबासा बंदगांव फोर लेन प्रोजेक्ट है तो दूसरी परियोजना खोलेभीरा और सिमडेगा होकर राउरकेला को जोड़ेगी, और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली साहिबगंज गंगा ब्रिज वास्तविक सड़क परियोजना के लिए भी प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। उसके बहुत सारे कंपोनेंट जो है, जो एक तो है कि यूपी बॉर्डर से जो कनेक्ट करता है, रांची से निकलता है और डाल्टनगंज गढ़वा होते हुए यूपी बॉर्डर तक जाता है, तो इसका कुछ पार्ट अभी फोर लेनिंग हुआ है। इसका प्रपोजल हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को NHAI को भेजा हुआ है और उनका DPR बनाने का उनका काम भी चल रहा है। हजारीबाग बरही कोडरमा होते हुए बिहार को जोड़ने वाली सड़क में 28 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। उम्मीद है कि मंजूरी मिलते ही इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश की सड़क में पलमा के पास कुछ हिस्सा फोर लेन करने की जरूरत है। इस रास्ते से उत्तर प्रदेश का रास्ता सुगम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच पहले से काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ भी लगभग कनेक्टेड है, गुमला का कुछ पोर्शन मतलब जो है पलमा तक हो चुका है, और इसके बाद जो छत्तीसगढ़ और गुमला बॉर्डर है उसका भी शायद हमें लगता है कि मतलब प्रक्रिया चल रही है, DPR और मतलब टेंडरिंग की प्रक्रिया के बीच में है, और उसके बीच में गुमला से पलमा के बीच का कुछ पोर्शन बचा हुआ है वो भी मतलब प्रक्रियाबद्ध है। विद इन हमें लगता है कि थ्री मतलब ईयर्स में, मतलब आप देखेंगे टू थ्री ईयर्स में इन सब मतलब रोड पे या तो काम कंप्लीट हो चुका होगा या मतलब काम चल रहा होगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग मतलब कंटिन्यूसली उनसे टच में भी हैं, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है या फिर मतलब NHAI है उनके पदाधिकारियों के साथ हम लोग टच में भी हैं। इन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। पथ निर्माण सचिव ने यकीन दिलाया है कि अगले 2 से 3 सालों में नॉर्थ ईस्ट के साथ छोटे राज्यों के अलावा झारखंड के तमाम पड़ोसी जिलों के बीच आवागमन सुलभ हो जाएगा। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन दीपक के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, उम्मीद है कि सड़कों का जाल बिछेगा क्योंकि केंद्र को DPR भेज दिया गया है, अब केंद्र के हरे झंडी का इंतजार है। स्तर पर राज्यों के अंदर से दूसरे राज्यों को जोड़ते हुए गुजरने वाली सड़क परियोजना को भारतमाला नाम दिया गया है, और इस परियोजना के तहत झारखंड में भी बहुत सारी सड़कें प्रस्तावित हैं, उनमें कुछ सिक्स लेन भी हैं, फोर लेन भी हैं। अगर हम बात करें तो एक भारतमाला सड़क परियोजना जो प्रस्तावित है वो चाईबासा बंदगांव होकर के प्रस्तावित है, जो उड़ीसा जाती है भुवनेश्वर तक। दूसरी भारतमाला उड़ीसा कनेक्टिंग सड़क अभी प्रपोज्ड है, जिसको DPR बना के भेजा गया है, वो कोलीबेरा सिमडेगा होते हुए राउरकेला तक जा रही है। अगर हम बिहार कनेक्टिविटी की बात करें तो बिहार कनेक्टिविटी कंप्लीट है, और अगर उसे रांची हजारीबाग होते हुए अगर हम बात करें तो कोडरमा ग्रीडी होते हुए वो एक सड़क ऑलरेडी बनी हुई है, फोर लेनिंग भी हो गई है। 28 किलोमीटर का एक छोटा सा गैप है जिसके लिए DPR भेजा गया है, इस रास्ते बिहार कनेक्टिविटी हो जाएगी। बिहार प्लस नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक प्रस्तावित सड़क जो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के सौजन्य से बनाई गई है, जो साहिबगंज तक जाती है और साहिबगंज के बाद वो जो पुल बन रहा है उससे कनेक्ट होते हुए बिहार होते हुए बंगाल होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक चली जाएगी, उससे झारखंड की नॉर्थ ईस्ट के साथ पहली बार कनेक्टिविटी होने जा रही है। तो इस सड़क को भी मजबूत करते हुए 6 लेन बनाने की का ये पूरा डिटेल DPR जो है भेजा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए गढ़वा से एक कनेक्टिविटी प्लान की गई है, और एक भारतमाला प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ से ऑलरेडी इन वर्किंग
चल रही है। तो कुल मिलाकर के इन परियोजनाओं के पास स्वीकृत होने के बाद जो भारतमाला परियोजना गुजरेगी झारखंड से, वो बहुत ही फास्ट स्विफ्ट कैरी करेगी पैसेंजर्स को, गाड़ियों को, इसका मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा। अभी एकमात्र अगर कोई ऐसी ऐसी सड़क की बात करें तो वो जीटी रोड है जो झारखंड होते हुए सीधे बंगाल की ओर जाती है। और अगले 2 साल से 3 साल के बीच में भारतमाला की परियोजनाएं धीरे धीरे जब पूरी होने लगेंगी तो झारखंड का स्वर्णिम एक युग आएगा, विकास होगा, झारखंड से मूवमेंट होगा फास्ट गुड्स का, खनिज का, कोयले का, और इन सब सड़क पे जब गाड़ियां तेज़ी से चलेंगी और गंतव्य स्थानों को पहुंचेंगी तो फिर झारखंड का भी नाम एक विकास उन्मुखी राज्य के रूप में किया जा सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शनवाज जानकारी के लिए। तो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बिछेगा सड़कों का जाल, चार पड़ोसी राज्यों और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना, ओडिशा और बिहार के लिए बन जाएंगे कई वैकल्पिक मार्ग, 4 और 6 लाइन की होगी भारत माला परियोजना। साथ ही बताया पथ निर्माण विभाग में भारत माला परियोजना के तहत केंद्र को डीपीआर भेज दी है। ओडिशा को जोड़ने वाली ये 2 परियोजना अब केंद्र का इंतजार है कि कब केंद्र इसकी मंजूरी देता है।